हो oh, बड़े दिनों के बाद यानी कि कुल मिला के दस दिन की मेहनत के बाद फाइनली यार एक छुट्टी मिली वर्ल्ड कप से और मौका मिला कि थोड़ा सा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वक्त बिताया जाए बट यू आर माई फ्रेंड्स टू राइट सो आई थॉट वाई स्टे अवे एंड ट्राइन गिव यू एन अपडेट ऑफ वट नंबर टेन जिस दिन हमें दो नहीं कुल मिला के चार मैचेस यानी कि चार नहीं कुल मिला के आठ टीम्स इन एक्शन मिली तो हमेशा की तरह एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम समराइज करेंगे कि क्या हुआ डे नंबर टेन पे जिस दिन टेक्निकली मेरी छुट्टी थी और उसके साथ साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज यानी कि डे इलेवन पे सो so, किस बात शुरू करें सो डे टेन की शुरुआत हुई दो मैचेस से जो कि ग्रुप ए से आए अब ग्रुप ए में नेदरलैंड्स हैं एक्वाडोर हैं सेनेगल हैं और कतर हैं सॉरी नेदरलैंड्स हैं सेनेगल हैं कतर थी और एक्वेडोर थी एंड दैट वाज द बिग रिजल्ट ऑफ द डे एज वेल अब ये दोनों मैचेस साथ में खेले जा रहे थे यानी कि नेदरलैंड और कतर जिस समय खेल रहे थे उसी टाइम पे एक्वेडोर और सेनेगल का मुकाबला भी हो रहा था एंड आई टोल्ड यू येस्ट इन माई वीडियो दैट द फेवरेट्स टू गो थ्रू इन दिस राउंड आर नेदरलैंड ऑफकोर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्वेडोर बिकॉज उस समय वो पॉइंट्स टेबल पे दूसरी पोजीशन पे थे नेदरलैंड के लिए तो चीजें काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी बिकॉज दे वर प्लेइंग अगेंस्ट अ साइड लाइक कतर जो पहले ही नॉकआउट हो चुके थे स्क्रैच दैट Became the first team to get knocked out in this uh, competition. Just a word on Mohammed Muntari because he became the only goal scorer for Qatar in the World Cup. a team just with al Ali, al ah, uh, players, Akram Afif, like players, they had a lot because they were Asian champions, yaar. पीपल आर एक्सपेक्टिंग क्या एक और गोल क्या एक शॉक रिजल्ट वो दे सकते हैं ऐसा हुआ नहीं नेदरलैंड के लिए उसके अलावा फ्रेंकी डी योंग ने भी एक गोल मारा और टू नील्स कोलाइन जो आपको ज्यादा नहीं लगेगी बट इट वॉज अंप्लीट डॉमिनेंट एफर्ट फ्रॉम नेदरलैंड ये तो बात होगी नेदरलैंड और कतर की जिसके साथ नेदरलैंड ने ग्रुप ए में अपनी टॉप पोजिशन बरकरार रखी उसके बाद जो दूसरा मैच आया और राधा जो साइड बा, साइड बाई साइड चल रहा था दैट वाज समथिंग यार क्योंकि समयर पोल पोजीशन में थे टू फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड टू गो थ्रू टू द नॉकआउट राउंड्स उनके सामने थे अफ्रीकन चैंपियंस एक तरफ एशियन चैंपियंस बाहर हो चुके थे क्या अफ्रीकन चैंपियंस जो इसी ग्रुप में है वो भी बाहर होने होने जा रहे थे वेल यू वुड हैव सेड यस जब इक्वलाइजर uh, आया काइसेडो का आफ्टर सेनेगॉल द लीड जस्ट बिफोर हाफ टाइम थ्रू इस सार्स पेनल्टी and we thought maybe there's a twist in there maybe it is ecuador's world cup after all we knockout out rounds of but as akash says all, often in his videos but and that's exactly uh, what the captain of senegal produced kulibali uh, scored the winner for uh, senegal and as a result not ecuador but senegal go through this is a senegal side just sadio manage as a mahan player world cup mein aane se just pehle ho gaya tha. it was a huge blow but maybe sometimes when these kind of things happen the whole team rallies around each other and they play like brothers and they play with passion and they play with determination and well done to senegal who finished in the second spot in this group a but more importantly they've gone through to the next round and they've done it for the first time since 2002 so huge achievement for Senegal and Netherlands, and finally on to Group B, and a lot of people are keeping a close eye on this one. Why? Because England and Wales were going to play, Iran and USA were going to play. So England or Wales should start. <laughs> Wales. Ko, Wales wanted to England by four and then maybe they have an outside chance of going to the knockouts it didn't turn out that way let's just put it simply now wales are playing in a world cup for the first time since 1958 many times, in our other videos. so it was a historic occasion for them in any case that they made it to this, uh, this level right बट एट द सेम टाइम देवर पीपल लाइक गैरथ बेल देवर पीपल लाइक आर एन राम जे जिन पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो भरोसा कर रहे थे कि मे बी दे कैन इंस्पायर वेल्स टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप्स इन्स देअ ऑलरेडी इंस्पायर्ड वेल्स टू कम दिस फार पर ऐसा हुआ नहीं यार इंग्लैंड ने दो चीज़ें सही की एक फुटबॉल बेहतर खेली और दूसरी अपनी सही इलेवन खिलाई कैरित साउथ गेट पर से इतने सवाल पूछे गए कि सर फिल फोर्टन को आप क्यों नहीं लाए मतलब वट ऑज द थिंकिंग जॉर्डन हैंडरसन को एज अ सब्सिट्यूट क्यों लेकर आए सो आई थिंक वट एवर हैपन दर गैरेट साउथ गेट फाइनली डिसाइडेड नहीं भैया काइल वॉकर को लो डिफेंस में फिल फोर्डन को खिला लो स्टार्टिंग इलेवन में और मार्कस रैशफर्ट जिन्होंने फोर्टी नाइन सेकंड्स में आके गोल मार दिया था अगेंस्ट ईरान उनको भी स्टार्टिंग इलेवन में जगह दे दो एंड दट्स एग्जैक्टली हाउ द स्टोरी अनफोल्डेड टू राशफर्ट गोल्स वन फिल फोर्डन गोल इन द मिडिल थ्री निल्स गोल एंड थ्री पॉइंट्स इंग्लैंड फिनिश एज ग्रुप टॉपर्स एंड नाउ दे विल फेस सेनेगोल इन द नॉकआउट राउंड इंटरेस्टिंग नो इवन विदाउट साद यो माने ओके ना ऑन टू द सेकंड गेम जिस पे आर मैं अपनी नज़र रखे हुआ था आई नो दे वो बोथ हैपनिंग एट द सेम टाइम एक मैच फ़ोन पे चल रहा था एक अपने लैपटॉप पे देख रहा था एंड आई वाज जस्ट लाइक ईरान यू एस आई मीन द पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू नेशंस एंड द सर्कमस्टांसिस इन विच ईरान की ये टीम इस स्टेज पर खेलने आई है पीपल बैक होम वांट सम सोर्स ऑफ इंस्परेशन फील गुड स्टोरी या ईरान विनिंग द लास्ट गेम अगेंस्ट वेल्स बट Sadly, the story was to come to an end, and the end was not decided till the very end. Matlab, almost no injury time was there. Uh, and we know which team is definitely going to go through. Uh, the big moment came obviously from Christian Pulisic. Some of you Chelsea fans would obviously know him very well. He's not had a great <laughs> season with Chelsea, but uh, for USA, yeah, he's called Captain America for a reason. आल ऑल्सो गिव सम क्रेडिट टू सर्जीनियो डेस्ट जो कि जिन्होंने राइट फ्लैंग से कट बैक करके क्रिस्चन प्यूलिसिक को लगभग प्लेट पर बॉल दी कि आप टैप इन कीजिए द बैड न्यूज वॉज दैट क्रिस्चियन प्यूलोसिक गॉट इंजर्ड एज अ रिजल्ट तो ही ट्राई टू कैरी ऑन बट उनके वो उनसे हो नहीं पाया आई डोंट नो वट इट इज इज इट इज इट इन द स्टमक और इज इट इन द रिब्स बट द इरानियन गोल कीपर एंड हम क्लैश ड्यूरिंग द गोल एंड एज अ रिजल्ट वी डोंट नो वट द स्टेटस ऑफ इज इंजरी एंड वेदर ही विल बी अवेलेबल In the next round for them, but that's the important news, right? They made it to the next round. Iran go Civic draw, tha agle round mein ke liye, and they just could not find an equalizer till the 9th or the 10th minute of injury time. So, sadly, their campaign ends. Carlos Quiroz's team is not going to Greg Greg Berhalter's team agle round going here, Gareth Southgate's team agle round mein gayi hai. So, now it's going to be Netherlands versus uh, the USA in the knockout rounds, or should we say the round of 16, and England will play Senegal in the round of 16. And that's a wrap. ऑफ डे है ओके दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो क्योंकि यहां पे थोड़े से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, मैथमेटिक्स लगाने का मौका आता है और आपको समझाने का मौका मुझे मिलता है कि

दो मैचेस एक साथ क्यों होने लगे और फिर दो मैचेस एक साथ क्यों हुए फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड एंड वेल्स व प्लेइंग एट द सेम टाइम वेन ईरान एंड यूएसए व प्लेंग वेल आल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू द रीजन इज बिकॉज द टोर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और ये कोई नया रूल नहीं है ये रीच चली आ रही है काफी टाइम से द टोनामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑब्वियसली डज नॉट वॉन्ट से फीफा डज नॉट वॉन्ट एनी टू टीम्स टू हैव एन अनफेयर एडवांटेज फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लैंड और वेल्स का मुकाबला एक टाइम पर चल रहा है एंड दैट रिज़ल्ट कुड हैव अ बेरिंग ऑन ईरान एंड यूएसए इस गेम तो ईरान और यूएसए को पता चल जाता है कि यार इंग्लैंड और वेल्स का रिजल्ट ये रहा है उनका गोल्ड डिफ्रेंस कुछ ऐसा है तो हमें ये चाहिए हमें जीतने की जरूरत नहीं है यार हम ड्रॉ भी कर सकते हैं सो हम अपने की प्लेयर्स को थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं अगर हमारा ड्रॉ जो है वो सुनिश्चित हो चुका है फॉर एडवांटेज यू डोंट दैट एंड यू माइट सी सम ऑफ दैट टू डे क्योंकि इतने सारे पोम्यूटेशन लगने वाले हैं तो मैं ऑलरेडी थोड़ा सा वार्म अप कर चुका हूँ एंड वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन बिफोर आई एक्चुअली गेट टू वॉट एवरी टीम नीड्स टू डू टू मेक इट टू द नॉकआउट इज अल सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द पॉइंट टेबल पोजिशन आर डिसाइडेड राइट विन्स गेट पॉइंट्स एक जीत आपको तीन पॉइंट जताती है अगर आपके पॉइंट सबसे ज्यादा हैं तो फिर आप सुपीरियर uh, हैं लेकिन अगर आप पॉइंट्स के लिहाज से दो दो टीमें बराबरी पे हैं तो देन द सेकेंड मैट्रिक दैट कम्स इन टू प्ले इज गोल डिफरेंस अगर पॉइंट्स और गोल डिफरेंस के हिसाब से भी आप दूसरी टीम से बराबरी पे हैं देन द थर्ड मैट्रिक दैट कम्स इन टू प्ले इज हमनी गोल्स हैव यू स्कोर्ड फॉर एग्जाम्पल अगर अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया बराबरी पे आ जाते हैं पॉइंट्स के हिसाब से आज रात तक देन हु हैज़ अ सुपीरियर गोल डिफरेंस मे बी अर्जेंटीना बी साउदी अरेबिया इवन इफ दे आर इक्वल ऑन दैट देन वील गो डाउन टू दर्ड मेट्रिक विच इस गोल किसने ज्यादा मारे हैं भाई और अगर वो भी बराबर हो गया विच कैन हैपन एज वी सॉ इन द प्रीवियस वर्ल्ड कप देन इट कम्स डाउन टू दू हेड And guess what? Saudi Arabia have already beaten Argentina, so they have a head-to-head -head advantage. So Messi and Argentina will be hoping that there Nobert does And uh, Saudi Arabia, either lose or we will handle the So uh, that is just a basic explanation of why two matches are being played at the same time and how the group standings are decided. Now on to the actual permutations and combinations of Group C and D. So let's begin with Group D, shall we? Group D may France, hai, Australia. Hai, डेनमार्क है और ट्यूनीजिया है अब थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल आपको दिखा भी देता हूं और बता भी देता हूं फ्रांस ने दो मैच जीते हैं तो उनके छह पॉइंट हैं ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच जीता है एक हारा है तो उनके फिलहाल तीन पॉइंट हैं डेनमार्क की स्थिति थोड़ी सी गंभीर है ऐसा कभी हुआ नहीं डेनमार्क की फुटबॉल इतिहास में वर्ल्ड कप इतिहास में कि उन्होंने मैच ना जीता हो कैस्पर ह्यूलमन जो उनके मैनेजर हैं वो दबाव में है कैन दे पिकअप फर्स्ट विन ऑफ द टूर्नामेंट इफ दे डू दे गिव अ ग्रेट चांस एनी

वो भी बहुत दिलचस्प होने वाला है नाउ व्हाट डू फ्रांस नीड टू गो थ्रू फ्रांस हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू पहली टीम बन चुकी है वो नॉकआउट स्टेजेस में पहुंचने की उसके बाद उनको काफी सारी टीमों ने ज्वाइन किया है बट फ्रांस वॉर द फर्स्ट टीम वॉट अबाउट अ टाइटल डिफेंस राइट बट इज नॉट ओवर येट बिकॉज फ्रांस वुड वॉन्ट टू बी टॉप ऑफ द ग्रुप इज वेल सो इफ दे विन दे डेफिनेटली टॉप द ग्रुप इफ दे ड्रॉ दे विल डेफिनेटली टॉप द ग्रुप इज वेल तो फ्रांस के हिसाब से सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा सिंपल है अगर वो हारते हैं तो टॉप ऑफ द ग्रुप जाना जो है वो दूसरे रिजल्ट्स पे थोड़ा सा निर्भर करेगा बट यार फ्रांस रियली शुड बी एबल टू बीट टूनिजिया राइट आई नो दिस अ टूर्नामेंट ऑफ अबसेट्स बट यू विल बैक देम टू बी एबल टू डू वेल अगेंस्ट टूनिजिया ड्रॉ तो लेंगे शायद जीत भी जाएं और जीत जाएं तो ग्रुप टॉप करेंगे क्योंकि अगर वो टॉप नहीं करेंगे तो वो ग्रुप सी की नंबर वन टीम से भिड़ सकते हैं और अगर वो टॉप करेंगे तो वो ग्रुप सी की सेकेंड टीम से भिड़ेंगे सो दे विल गिव देमसेल्व्स अ बेटर चांस अनलेस में जी जीते ड्रॉ किया ग्रुप टॉप करेंगे हारे तो थोड़ा सा दूसरे रिजल्ट पे निर्भर रहना पड़ेगा दूसरा रिजल्ट कौन सा हो सकता है जिसपे उन्हें निर्भर रहना पड़ सकता है दैट इज इन द गेम बिटवीन डेनमार्क एंड ऑस्ट्रेलिया ना दिस इज अ डिलिशियस कॉन्टेस्ट नाउ ऑस्ट्रेलिया uh, का अगर आपने पहला मैच देखा था तो आपको लगा था यार ये क्यों ही आए मतलब फ्रांस ने उन्हें तबाह कर दिया येस दिस कोड एन अर्ली गोल बट दैन फ्रांस जस्ट ब्लू बट सडनली ऑस्ट्रेलिया फाउंड फ्रॉम समवेयर सम इंस्पिरेशन दैट दे शोड कि यार ए एफ सी नेशन है हम ईरान जीती है सऊदी अरेबिया जीती है जपान जीती है हम भी बिलोंग करते हैं इस लेवल पर एंड वाई नॉट द शोड दैट एंड एज अ रिजल्ट देव गिवन दम सेल्व द सेकेंड बेस्ट चांस इन द ग्रुप To go to the knockouts. After France of course. So Australia has 3 points If they Denmark. Ko haraya, they will definitely go through to the knockout rounds. If they draw with Denmark. They will definitely go to the knockout rounds. What a story that will turn out to be as well. If they lose to Denmark. I'm sorry to say. But Australia. You. Will definitely go home. So Australia. ko win or draw. That can be a If they lose. Then their higher card. Jo hai, wo, that will expire and they will have to go back home down under okay on to denmark now denmark ke liye bhi sthiti kuch similar hai actually it's a very good position to be in because they don't need to play for a draw they don't have to worry about a, a loss just go out there to win if they win all is well almost because agar wo jeet jate hain तो उनके हो जाएंगे चार पॉइंट उनका गोल डिफरेंस करंटली माइनस वन है तो ऑब्वियसली जीतते हैं तो गोल डिफरेंस भी बेहतर हो जाएगा But if they win दैट मे स्टिल नॉट बी इनाफ बिकॉज देन दे विल भी होपिंग कि कोई बहुत बड़ा अपसेट इस टूर्नामेंट ऑफ तो अपसेट्स में ना हो जाए यानी कि टूनीजिया फ्रांस को कोई इनसेन मार्जिन से ना हरा दे और अगर ऐसा नहीं हुआ देन डेनमार्क वुड बी लाफिंग इफ आई वोट टू गिव अ क्विक प्रिडिक्शन Before I get to Tunisia, I have a feeling that दट डेनमार्क माइ जस्ट हैव द क्वालिटी टू बीट ऑस्ट्रेलिया बट इट विज गोइंग टू बी अग कॉन्टेस्ट मतलब इमेजिन ऑस्ट्रेलिया फ्रंट फुट पे है चांस उनके पास ज्यादा है लेकिन यह हमने कल एक्वेडोर और सेनेगॉल के मैच में भी देखा था एक्वेडोर वो फेवरेस्ट टू गो थ्रू बट सेगॉल्स कैप्टन कुली वाली प्रोड्यूस समथिंग सेंसेशनल So never रूट Denmark out, स्पेशली अ साइड जिन्होंने सेमीफाइनल तक का रास्ता तय किया था यूरोपियन चैंपियनशिप्स में और जिन्होंने वर्ल्ड कप में हमेशा कम से कम एक मैच तो जीता ही है So I'm not counting them out and I have a feeling sneaky feeling that they might even go through unless Australia have different plans or Tunisia have different plans just जस्ट अबेट on Tunisia उनका फिलहाल खाता जो है वो सिर्फ एक पॉइंट दिखा रहा है गोल डिफरेंस माइनस वन है और उनके सामने चुनौती है डिफेंडिंग चैंपियंस की तो अगर वो ड्रॉ करेंगे तो सॉरी गुड बाय अगर वो जीतेंगे तो अपने आप को चांस दे सकते हैं बट दे ऑल्सो भी होपिंग कि वो जीतें और ऑस्ट्रेलिया ना जीते सो so, ये है समीकरण फिलहाल ग्रुप डी के द सिंपल स्टोरी इज फ्रांस आर लाइकली टू टॉप द ग्रुप एंड इफ ऑस्ट्रेलिया विन दे आर गोइंग टू बी द सेकंड टीम एंड इफ डेनमार्क विन दे आर लाइकली टू बी द सेकंड टीम टू गो थ्रू फ्रॉम ग्रूप डी हा ग्रुप सी इसका इंतजार करना पड़ेगा और यार मेसी अगर खेल रहे हैं तो उनका इंतजार करना तो बनता है अब सिर्फ मैसी नहीं है राइट मेसी के साथ साथ बहुत अच्छे बेहतरीन प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और मैक्सिको की के खिलाफ उस जीत को हम काफ़ी सेलिब्रेट भी कर चुके हैं उनके सामने आज लेवनडाउस की चुनौती है और मुकाबला की, की है, that are, तो और का है। में आज लास्ट गेम इन द ग्रुप स्टेज एंड देन सऊदी अरेबिया प्ले मेक्सिको अगर आपने कैलेंडर देखा होता वर्ल्ड कप जब वर्ल्ड uh, कप का जब शेड्यूल अनाउंस हुआ था यू वुड हैव प्रॉब्ली सेड सऊदी अरेबिया मेक्सिको तो चलो मैं नहीं देखूंगा थैंकफुली माय जॉब इज सॉर्टेड अर्जेंटीना पोलैंड देखो रात में और ओढ़ के सो जाओ लेट्स सी वेक अप इन द मॉर्निंग एंड सेलिब्रेट मै सी द शॉक ऑफ द टूर्नामेंट केम फ्रॉम दिस गाइस ग्रुप सी में सबसे बड़ा अपसेट देखने को मिला था सबसे पहले इस विश्व कप में उसके बाद काफी अच्छे रिजल्ट्स आए बट सऊदी अरेबिया बीटिंग अर्जेंटीना थ्रू द कैट अमंग्स द पिजन्स एज दे से इन इंग्लिश चीजें बहुत दिलचस्प कर दी उन्होंने और उसकी वजह से अब क्या हुआ है आपको बता देता हूं ग्रुप सी की स्टैंडिंग कैसी हैं हैं पोलैंड आर एक्चुअली इन पोल टू गो थ्रू बिकॉज उनके पॉइंट क्योंकि उन्होंने एक मैच जीता है और एक मैच ड्रॉ किया है जो वो जीत सकते थे अगर लेवन डाउस की अपनी पेनल्टी मैक्सिको के अगेंस्ट मिस नहीं करते चलो इतिहास बीत गई सो बात गई एज एज से सो पोलैंड आर आर इन इन द द पोल पोलिशन बिकॉज देव गॉट फोर पॉइंट्स अर्जेंटीना हैविंग बीटन मैक्सिको आर नाउ इन सेकंड पोजिशन बिकॉज़ देव गॉट थ्री पॉइंट्स खाता उन्होंने खोला मैक्सिको को हरा के सऊदी अरेबिया ने तो अपना खाता ऐतिहासिक रूप से खोला था जब उन्होंने अर्जेंटीना को हराया था और उसकी वजह से अब वो तीसरी पोजीशन में है बट ओनली बिकॉज अर्जेंटीना का गोल डिफरेंस प्लस वन है और सऊदी अरेबिया का माइनस वन है और चौथी पोजिशन पर मैक्सिको है और ग्रुप डी की ही तरह ये चारों टीमें आज इंटरेस्टेड रहेंगी अनलाइक से ग्रुप ए जिसमें कतर पहले ही बाहर हो चुकी थी राइट सो वॉट एन इंटरेस्टिंग ग्रुप दिस दिस कुड टर्न आउट टू बी ग्रुप ई मेरा अभी भी फेवरेट है जिसमें स्पेन और जर्मनी है बट इस ग्रुप सी पे मेरी हमेशा से नजर रही है और इसी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्विस्ट और टर्न अभी भी बाकी हैं सो मेक्सिको ऑन वन सऊदी अरेबिया ऑन थ्री अर्जेंटीना ऑन थ्री पॉइंट्स एंड पोलैंड ऑन फोर पॉइंट्स अब होगा क्या पोलैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला होगा अगर पोलैंड जीते नॉकआउट राउंड्स में पहुंच जाएंगे नो प्रॉब्लम एट ऑल अगर अर्जेंटीना को पहुंचना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा आल कीप वेरी सिंपल फॉर यू अर्जेंटीना अगर जीते वेरी गुड दे विल गो अबॉफ पोलैंड अर्जेंटीना के हो जाएंगे छः पॉइंट पोलैंड के रहेंगे चार पॉइंट समस्या ये है कि अगर सऊदी अरेबिया ने भी मैक्सिको को हरा दिया तो सऊदी अरेबिया के भी हो जाएंगे छह पॉइंट्स यानी कि लेवल विथ अर्जेंटीना एंड देन इट कुड कम डाउन टू द थ्री मैट्रिक्स दर आई टोल्ड यू अर्लियर पॉइंट्स किसके बराबर हैं बराबर हैं गोल्ड डिफरेंस में क्या है मे बी सऊदी अरेबिया मे बी अर्जेंटीना उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगा गोल्स किसने ज्यादा मारे मे बी अर्जेंटीना मे बी सऊदी अरेबिया एंड फाइनली हेड टू हेड जिसमें सऊदी अरेबिया आगे है सो so, अर्जेंटीना को तो इस सब पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए उनको बस ये ध्यान देना चाहिए बॉस जिस मुश्किल स्थिति में हमने वर्ल्ड कप शुरू किया था जब सऊदी अरेबिया ने हमें हराया था लेट्स जस्ट गेट अ विन लेट्स गेट टू द नॉकआउट एंड फर्गेट अबाउट द फैक्ट कि अगले राउंड में हमें फ्रांस मिल सकती है दैट सेम फ्रांस हु नॉट अर्जेंटीना आउट इन द राउंड ऑफ सिक्सटीन इन ट्वेंटी एटीन रशिया बट दैट्स ऑल इन द फ्यूचर इतनी आगे की मेरे मेरे हिसाब से लेनल्स कलोनी जो कि अर्जेंटीना के मैनेजर हैं वो सोचेंगे भी नहीं तो सिंपल सी चीज़ है अगर अर्जेंटीना जीती वो नॉकआउट राउंड्स में पहुंचेगी टेबल में कहाँ रहेगी दैट विल डिपेंड ऑन दी अदर रिजल्ट विच इज़ बिटवीन साऊदी अरेबिया एंड मैक्सिको नाव सऊदी अरेबिया के लिए जैसे मैंने बताया अगर वो जीतते हैं तो उनके हो जाएंगे छः पॉइंट और वो उम्मीद करेंगे कि अगर उन्हें ग्रुप टॉप करना है तो पोलैंड और अर्जेंटीना का जो मुकाबला है वो ड्रॉ हो जाए दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो और अगर जीतना ही है किसी को तो आर्जेंटीना जीत जाए बिकॉज फिर शायद फिर गोल्ड डिफरेंस और हेड टू हेड पर आ सकता है सो दैट इज़ इट फ्राम सऊदी अरेबियन पॉइंट ऑफ व्यू बट द ग्रेट न्यूज़ इज़ दैट सऊदी अरेबिया और कतर इतने बुरे राइवल्स हुआ करते थे पोलिटिकल कल्चरल आइडियलॉजिकल रिलीजियस राइवल रही है उनके बीच सो इमेजिन लुसेल स्टेडियम में सऊदी अरेबिया मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड अ डे आफ्टर कतर प्लेड दर यू नो दर्ड एंड लास्ट गेम इन दरअर होम वर्ल्ड कप उसके अलग उसकी एक अलग कहानी है उसके उसमें हम नहीं जाएंगे बट द सिंपल थिंग इज सऊदी अरेबिया हैव अ चांस व्हाट अबाउट मेक्सिको ऑन द अदर साइड राइट वो भी अभी तक हैं दे आर स्टिल इन द मिक्स बिकॉज दे मैनेज टू होल्ड पोलैंड टू अ ड्रॉ बट दे लॉस टू अर्जेंटीना इन द सेकंड गेम उनका एक पॉइंट है उनका गोल डिफरेंस माइनस टू है अगर मैक्सिको जीतते हैं तो उनके हो जाएंगे चार पॉइंट बट दे विल हैव टू रिलाई ऑन अ फ्यू अदर रिजल्ट टू गो दे फॉर एग्जाम्पल दे विल हैव टू होप की पोलैंड अर्जेंटीना को हरा दे ताकि अर्जेंटीना का रास्ता अर्जेंटीना उनके रास्ते से साफ हो जाए दे विल हैव टू होप कि अगर ड्रॉ होता है इन दोनों के बीच में तो दे बीट सऊदी अरेबिया बाय अ बिग इनफ मार्जिन सो दैट दे कैन गो थ्रू सो एज यू कैन सी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हैं बट इफ यू वर टू टेक माई प्रोडिक्शन ऑन दिस आई है फीलिंग दैट अर्जेंटीना विल बीट पोलैंड विच वुड मीन दैट अर्जेंटीना गो ऑन टॉप ऑफ दिस ग्रुप विद सिक्स पॉइंट्स एंड आई जिस अवर स्नीकी फीलिंग दैट मेक्सिको और सऊदी अरेबिया का मैच या तो ड्रॉ हो जाएगा या फिर मैक्सिको जस्ट beat saudi arabia and maybe some parity will be restored as a result poland might go through uh, and as a result argentina might go through from this group and they have more quality in their squad as well so they probably deserve to go through job honata वो इस ग्रुप में ऑलरेडी हो चुका है एंड विद अनदर रिव्यू स्लैश प्रिव्यू ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022। uh, कल के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो सवाल भेजे हैं जो आपने प्यार भेजा है द कॉमेंट्स थिंग्स डेट यू बिन मी इन दिस न्यू एडवेंचर आई एम ऑन ऑन यूट्यूब मैं थोड़े से जवाब देने की कोशिश करूंगा आल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ समज सो सटनली लुकिंग फॉर्व टू सिटिंग डाउन एंड गोइंग थ्रू ऑल दोज मैसेजेस तो इसीलिए यार बात बहुत सिंपल सी है मैसेजेस अपने भेजते रहिए प्रिडिक्शंस भेजिए कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के मैचेस में क्या हो सकता है आपके हिसाब से एंड आई लाइक टू सी कि जो मेरे दिमाग में प्रिडिक्शन थे और जो आपके प्रडिक्शन्स थे वो कितने मैच हुए और अगर क्लैश हुए तो क्यों हुए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कीप सेंडिंग सम लव Please like, please share, please subscribe, and don't forget to tune in every single day for another special video that I'll be bringing to you. Until then, goodbye.